गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए आज हम कक्षा आठवीं गणित विषय के अध्याय 11 चतुर्भुज की रचना इसके वीडियो क्रमांक 3 पर बात करेंगे। बच्चों यह जो अध्याय है यह बच्चों के लिए जटिल महसूस होता है एवं यदि बच्चे क्रमशः इन प्रश्नों को पूरे ईमानदारी के साथ यदि अपनी कॉपियों में वो इस वीडियो का सहारा लेकर हल करते हैं तो वे ज़रूर इन चतुर्भुजों को हल कर पाएंगे, इनकी रचना कर पाएंगे। बच्चों कोई भी कार्य कठिन नहीं होता परंतु उसके करने के तरीके पर यह निर्भर होता है। तो बच्चों इन जटिल रचनाओं को जब आप कर लेंगे इन वीडियो का सहारा लेकर आप इन रचनाओं को बहुत ही सरल महसूस करेंगे और बार बार बनाने अभ्यास करने की आपको इच्छा होगी। इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा कि पहले आप वीडियो भाग 1 एवं वीडियो भाग 2 का अच्छी तरह से अवलोकन करें, उसका अनुसरण करें और साथ साथ आप उन प्रश्नों को बनाते जाएं तो आप इस वीडियो क्रमांक 3 या वीडियो भाग 3 में इसे आसानी से बनाने में सफल हो जाएंगे। बच्चों क्योंकि यह जो भाग 3 है इस भाग 3 में कुछ ऐसे चतुर्भुजों की रचना हमें सीखनी है जो थोड़े जटिल हैं और विशेष प्रकार के चतुर्भुज हैं। तो बच्चों विशेष प्रकार के चतुर्भुजों में आइए हम सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज की रचना करना सीखते हैं। जब आपको उस समांतर चतुर्भुज की केवल एक भुजा और दोनों विकर्णों की माप दी गई हो तो बच्चों ऐसा प्रश्न है आपके पास कि एक ऐसे समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए बच्चों जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, विकर्ण AC का मान 6.2 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 8.4 सेंटीमीटर जिसका नाम है BD दिया गया है। तो ऐसे चतुर्भुज की हमें रचना करनी है। बच्चों हमारे पास समस्या यह आएगी कि यहाँ पर हमें चतुर्भुज के केवल 3 अवयव ज्ञात हैं। अब हम इस चतुर्भुज की रचना कैसे कर सकते हैं? चूँकि हम पहले भाग में बात कर चुके हैं कि हमें कम से कम 5 अवयवों की आवश्यकता होती है तो हम देख इसीलिए इसे विशेष प्रकार का चतुर्भुज कह रहे हैं। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से आप जानते हैं कि आपको समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं अर्थात आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं परंतु यहाँ एक ही भुजा दी गई है। यदि हम उस सामने वाले सम्मुख भुजा को भी लेते हैं, यहाँ AB बराबर 4 सेंटीमीटर है तो निश्चित CD भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी। फिर भी हमारे पास यहाँ केवल 4 अवयव हुए। अब हम इसकी रचना कैसे करें यह हमारा प्रमुख प्रश्न है। तो बच्चों चतुर्भुज का एक विशेष गुण होता है और वह है देखिए बच्चों यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित शब्द में ही इसका अर्थ है सम अर्थात समान, द्वि यानी दो, भाजित यानी भाग। तो दो समान भागों में बांटते हैं तो इसीलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर दिए गए विकर्णों को उनके आधे आधे भाग अर्थात हम उसे तोड़ लेंगे। AC का आधा हम लेंगे, AO बराबर AC दिया है 6.2 जिसका आधा होगा यहाँ 3.1 और BD का आधा जिसे हमने BO नाम दिया है 8.4 का आधा 4.2 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों यहाँ ये O बिंदु कौन सा है जिसे हमने BO और AO लिखा है? तो वह बिंदु दोनों विकर्णों का कटन बिंदु है जिसका नाम हमने O दिया है। आइए अब हम क्रमशः इसकी रचना सीखते हैं जिसका
पहला चरण है। सर्वप्रथम हम एक रेखाखंड ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचते हैं। अब हमें बिंदु ए को केंद्र लेकर 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटना है। प्रकार पर हम 3.1 सेंटीमीटर की त्रिज्या को सेट करते हैं। यहाँ देखिए, हमने ये 3.1 सेंटीमीटर के लिए प्रकार पर त्रिज्या सेट की है। बच्चों, ये विकर्ण एसी का आधा भाग है जिसे हमने त्रिज्या के रूप में लिया है। चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण प्रतिच्छेद बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। अब हमें पुनः दूसरे विकर्ण बीडी का 8.4 का आधा इसे त्रिज्या के रूप में लेना है। अब हम बिंदु बी को केंद्र लेंगे और आधा भाग 4.2 सेंटीमीटर जिसे हम त्रिज्या लेकर यहाँ दूसरे विकर्ण का आधा भाग हमने त्रिज्या के रूप में लिया और यहाँ एक चाप काटा। इन दोनों चापों के कटन बिंदु को ओ नाम दिया। दोनों चापों के स्कटन बिंदु ओ को हम बिंदु ए तथा बी से मिलान करते हैं। मिलान करते हुए क्रमशः हम इसे बिंदु एक्स तथा यहाँ हम वाई तक बढ़ाते हैं। अब हमें बिंदु ओ को केंद्र लेकर ओ एक्स तथा ओ वाई पर क्रमशः 3.1 सेंटीमीटर तथा 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप काटिए। तो हम 3.1 सेंटीमीटर ए को केंद्र लेकर यहाँ 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा। अब पुनः हम त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर का दूसरा चाप बिंदु ओ को केंद्र लेकर बी वाई पर काटते हैं। चाप अब हमें इनका नाम देना है। तो चापों के कटन बिंदु को क्रमशः हम सी तथा डी नाम देते हैं। अब बिंदु बी तथा सी को मिला लेते हैं। पुनः हम बिंदु ए तथा डी को मिलाते हैं और सी एवं डी का मिलान करते हैं, जिसमें यह ए सी विकर्ण जो कि 6.2 अर्थात इसके जो दो हिस्से हैं 3.1 सेंटीमीटर के, क्योंकि ओ मध्य बिंदु है, और यहाँ 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर यही हमारा अभीष्ट समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज की रचना के अंतर्गत
यह हम विशेष चतुर्भुज की रचना पढ़ रहे हैं बच्चों, और इसी के अंतर्गत अब मैं आपको दूसरी स्थिति की ओर ले जाना चाहती हूँ। वह है एक ऐसे वर्ग की रचना कीजिए जब उसका विकर्ण दिया गया हो। तो बच्चों केवल एक विकर्ण, हम कैसे इसकी रचना करें? ना हमें भुजा दी गई है, ना हमें कोण। कोण हम जानते हैं कि वह 90 अंश का होता है, परंतु हम बनाएंगे कहाँ, भुजा ही नहीं दी गई। यहाँ केवल हमें एक विकर्ण दिया गया है। तो बच्चों यहाँ भी हमें वर्ग से संबंधित विशेष गुण का प्रयोग करना होगा कि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं एवं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बच्चों वर्ग के इसी गुण का प्रयोग करके हमें यहाँ पर वर्ग की रचना करनी है। अब हम एक ऐसे वर्ग की रचना कर रहे हैं जिसका केवल एक विकर्ण हमें दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले इस दिए हुए विकर्ण AC का मान 7 सेंटीमीटर है, तो इस रेखाखंड को हम यहाँ पर खींच लेते हैं 7 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों यहाँ हमने 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। इसका नाम है AC। चूँकि ये लगातार शीर्ष नहीं है, सम्मुख शीर्ष हैं, अतः यह विकर्ण है। अब हमें इस विकर्ण की माप 7 सेंटीमीटर है। अब हमें इस विकर्ण का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो लंब समद्विभाजक खींचने की प्रक्रिया में आपको किसी भी एक शीर्ष पर आप प्रकार को रखिए और अंदाज से बिना नापे आधे से अधिक, AC की माप का आधे से अधिक हमें लेना है त्रिज्या, और इस त्रिज्या का एक चाप हम विकर्ण के ऊपर और दूसरा चाप विकर्ण के नीचे खींचते हैं। इस त्रिज्या को बिना हिलाए हम पुनः A बिंदु को केंद्र लेकर हमने एक चाप यहाँ काटा और नीचे की ओर भी उसी त्रिज्या का दूसरा चाप काटा। बच्चों त्रिज्या समान है, हमने कहीं भी त्रिज्या में परिवर्तन नहीं किया। अब हम इन दोनों चापों के कटन बिंदुओं को मिलाएंगे। इनका हमने मिलान कर दिया। बच्चों ये जो XY अब इन रेखाखंडों AC तथा रेखा XY के कटन बिंदु को हमने O नाम दिया। अब यह O दोनों विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु है। चूँकि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, अतः दूसरा विकर्ण भी 7 सेंटीमीटर का होगा, और 7 का आधा अर्थात 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर हम एक चाप काटेंगे जिसके लिए हम केंद्र बिंदु O को लेंगे। तो बिंदु O को केंद्र लेते हुए देखिए एक चाप हमने यहाँ काटा और दूसरा चाप भी हम रेखा XY पर नीचे की ओर काट रहे हैं। बच्चों इस रेखा XY तथा इन चापों के जो कटन बिंदु है इन्हें हम नाम देंगे क्रमशः B एवं D। अब हमें बिंदुओं AB, BC CD
तथा डी एवं ए को हम मिला लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यह विकर्ण 7 सेंटीमीटर, इनके जो आधे हिस्से 3.5 सेंटीमीटर, यह भी 3.5 सेंटीमीटर, साथ ही दूसरा विकर्ण भी 3.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख लेते हैं इनकी मापे। इस प्रकार यह हमारा प्राप्त आकृति अभीष्ट वर्ग ए बी सी डी है। तो बच्चों, अभी हमने यह वर्ग की रचना सीखी। अब मैं आपको एक और विशेष स्थिति की ओर ले जाना चाहती हूँ। वह विशेष स्थिति है, आपको एक समचतुर्भुज की रचना करनी है। जब आपको समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं, तो बच्चों इससे संबंधित जो प्रश्न है वह आपकी पुस्तक में प्रश्नावली 11.6 से पूर्व जो उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण में बनाया हुआ है। क्योंकि हमने अभी वर्ग की रचना की, बिल्कुल वर्ग के समान ही आपको समचतुर्भुज की रचना भी करनी है। केवल अंतर एक ही बिंदु पर है कि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर थे और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रहे थे। समचतुर्भुज में विकर्ण अलग अलग होंगे एवं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। इसीलिए मैंने यह रचना यहाँ पर करके नहीं दिखाई है, जिसे आपको स्वयं से बनाना है। तो बच्चों, यह हम चतुर्भुज की रचना से संबंधित तीसरा वीडियो देख रहे हैं। तो आइए एक बार मैं आपको वीडियो भाग एक, भाग दो एवं भाग तीन में अभी तक हमने क्या क्या सीखा है उसकी ओर ले चलती हूँ। तो बच्चों देखिए, आपने एक विशिष्ट चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम 5 अवयव आवश्यक हैं। यदि हमें 5 अवयव ज्ञात हैं तो हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। बच्चों दूसरा बिंदु है, चतुर्भुज की रचना के पूर्व कच्चा रेखा चित्र बना लेना चाहिए और अवयवों की मापों को अंकित कर देना चाहिए, जो कि हमारे लिए उपयोगी होता है। और मैंने वीडियो में इस बिंदु को नहीं समझाया है। उसका कारण है कि कोई बच्चा चित्र किसी प्रकार से बनाता है और कोई अलग तरीके से बनाता है, फिर उनकी जो रचना के बाद बनकर तैयार चतुर्भुज होता है वो आपके कच्चे चित्र से थोड़ा अलग दिखाई देता है, तो बच्चा भ्रमित हो जाता है कि ये मैंने जो बनाया है वह सही है या कच्चा चित्र। इसलिए मैंने आपको यह कार्य नहीं बताया है। तीसरा है, किसी अद्वितीय चतुर्भुज की रचना की जा सकती है यदि चतुर्भुज की 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दिया गया है। दूसरी स्थिति है, 3 भुजाएं एवं 2 विकर्ण दिए गए हों। तीसरी स्थिति, 4 भुजाएं और 1 कोण दिया गया हो। चौथी स्थिति है, 3 भुजाएं एवं 2 अंतर्गत कोण दिए गए हों। पांचवा है, 2 आसन्न भुजाएं व 3 कोण दिए गए हों। यदि चतुर्भुज की 1 भुजा 4 कोण दिए गए हों तो एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना नहीं की जा सकती। हमें चतुर्भुज के विशेष गुणों का उपयोग यहाँ पर करना होगा। पांचवा बिंदु है, चतुर्भुज की रचना तभी संभव है यदि उसकी माप निम्न शर्त को संतुष्ट करे। कौन सी शर्त बच्चों? तो देखिए, चतुर्भुज की किन्हीं 3 भुजाओं का योग 4th भुजा से अधिक होना चाहिए, जिसे हम वीडियो क्रमांक 1 या वीडियो भाग 1 में पढ़ चुके हैं। दूसरा है, चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 अंश होता है। बच्चों
इन सभी बिंदुओं का आप ध्यान रखिए और वीडियो भाग एक, भाग दो, भाग तीन को क्रमशः अवलोकन करते हुए साथ साथ आप रचना के कार्य कीजिए, निश्चित ही आप सफल होंगे। आइए बच्चों, अब मैं आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ गृह कार्य के प्रश्न देना चाहती हूँ। आपको एक समचतुर्भुज की रचना करनी है जिसमें विकर्ण EG बराबर 7 सेंटीमीटर एवं विकर्ण FH बराबर 8.4 सेंटीमीटर हो। दूसरा प्रश्न है वर्ग की रचना से संबंधित, जिसका एक विकर्ण 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और तीसरा प्रश्न है बच्चों, आपको समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है जिसमें AB का मान और AC का मान तथा BD अर्थात एक भुजा और दो विकर्णों की मापें दी गई हों। ये प्रश्न आपको प्रश्नावली 11.6 में मिल जाएंगे बच्चों। आप इन प्रश्नों को और उदाहरण के प्रश्नों को अवश्य हल कीजिए और अपनी समस्याओं को अपने शिक्षकों से सलाह कीजिए, साझा कीजिए और समझिए। और आशा करती हूँ बच्चों कि चतुर्भुज की रचना या पूरा पाठ आप अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।